केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को सबसे लंबी सुरंग की सौगात दी है। 1004 करोड़ की लागत से बने मोहनिया टनल का लोकार्पण नितिन गडकरी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में किया। ये टनल झांसी और रांची से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 39 पर बनी है। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि 2003 से पहले प्रदेश में सड़कें बदतर थीं, लेकिन हमने प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया है। साथ ही सीएम ने गुड़ और गोविंदगढ़ के लिए 10 करोड़ की राशि मंजूर की। उन्होंने कहा कि नर्मदा परिक्रमा पथ अमरकंटक से लेकर गुजरात की सीमा तक धार्मिक परिक्रमा पथ तैयार किया जाए, सरकार परिक्रमा करने वालों के रहने की व्यवस्था कर देगी और ये धार्मिक आस्थाओं से भरा नर्मदा परिक्रमा पथ बन जाएगा। 2003 से पहले के कैसी सड़कें थी भैया? अगर सड़कों पे चले जाओ, भोपाल से 10-12 घंटे लगते थे बस में। आज गोपाल भार्गव कह रहे थे सागर से कितने घंटे में आ गए हम? 3.5 घंटे में डायरेक्ट रीवा। जरा दिल पे हाथ रख के गडकरी जी के सामने ईमानदारी से बताना, ऐसी सड़कें पहले कभी थी क्या? गुड़ और हमारे गोविंदगढ़ दोनों नगर पंचायत के मित्रों ने अपने ज्ञापन दिए। मैं अभी अमृत योजना 2 के तहत गुड़ को भी और गोविंदगढ़ दोनों को मिला के लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करता हूं। चिंता काय को करते हो नागिन सिंह जी? अरे हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, कसर थोड़ी छोड़ते हैं। अपना खजाना खाली नहीं रहता, भगवान की कृपा है। इंदौर से झाबुआ, दाहोद और बड़ोदरा और यहां से बड़ौदा तक, इसको जो गैप्स हैं इसको फिल हम कर दें। मध्य प्रदेश सरकार परिक्रमा वासियों के लिए जगह जगह रहने के स्थान, विश्राम के स्थान, पूजा के स्थान और सदावृत की व्यवस्था पूरी कर देगी। तो एक सुंदर और धार्मिक आस्थाओं से भरा नर्मदा परिक्रमा पथ बन जाएगा, जो परिक्रमा वासियों के काम आएगा।